कौन बनेगा करोड़पति लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर साल केबीसी का नया सीज़न आता है और उसमें कई सारे कंटेस्टेंट भी आते हैं, लेकिन केबीसी के इस सीज़न को तो कंटेस्टेंट ने बहुत ही मज़ेदार बना दिया है। कभी कर्मवीर स्पेशल अपने साथ कुछ खास लेकर आता है, तो कभी दूसरे कंटेस्टेंट अपने मज़ेदार किस्सों से दर्शकों और बिग बी का मनोरंजन करते हैं, तो कुछ के किस्से दिल को छू लेने वाले होते हैं। ऐसे ही एक कंटेस्टेंट केबीसी में आए जिन्होंने दर्शकों और अमिताभ दोनों का खूब मनोरंजन किया। शो में हरियाणा के रोहतक से प्रतीक कलकल आए थे। प्रतीक ने बिग बी से कई सारी बातें की और बातों बातों में प्रतीक ने कुछ ऐसी बातें भी कहीं जिससे सब हंसते नजर आए। प्रतीक ने बिग बी से ऐसा सवाल पूछा कि बिग बी बस उन्हें देखते ही रह गए। प्रतीक ने बताया कि उनके गांव में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। प्रतीक ने बताया कि गाय का नाम सलोनी है, तो बछड़े का नाम आप रख दीजिए। पहले तो बिग बी प्रतीक की बात सुनकर उन्हें देखते ही रह गए और फिर उन्होंने कहा, सलोनी नाम है ना, तो सलोनी का स और आखिरी का नी, उसका नाम सोनी रख दीजिए। बिग बी का जवाब सुनकर वहां मौजूद दर्शक तालियां बजाने लगे। इसके बाद बिग बी ने कहा कि ये नाम हमने सोनी चैनल के नाम पर नहीं रखा है, सोच समझ कर रखा है। फिर प्रतीक कहते हैं, हाँ सर, क्या पता चैनल की ब्रांड एम्बेसडर भी बन जाए। जिसके बाद बिग बी कहते हैं, सोनी चैनल हमारा ध्यान रखिएगा, ऐसा न हो आप इसके बाद हमें नौकरी से निकाल दें। प्रतीक के सवाल और बिग बी के जवाब ने पूरा माहौल खुशनुमा कर दिया और वहां बैठे दर्शक भी खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक पाए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।